आज हम बात करेंगे खादी नेचुरल आमला एंड रीठा हेयर क्लींजर एंड कंडीशनर की, जिसको मैंने कंप्लीट 1 month यूज किया है। देखते हैं इस पे मेरा क्या रिव्यू एंड फीडबैक है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हाय फ्रेंड्स, हर्षिता दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिताज इनसाइट्स। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग की। ये रहा शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि प्लास्टिक बॉटल में कैप सिस्टम के साथ आता है, जिसपे हम खादी नेचुरल का लोगो भी देख सकते हैं। हेयर क्लेंजर में इसके बेनिफिट्स, जो कि हेयर्स को थिकर एंड स्ट्रॉन्गर बनाने के साथ साथ हेयर्स को स्ट्रेथन करेगा, स्कैल्प की ड्राइनेस को रोकेगा और हेयर्स को हेल्दी टेक्सचर देगा, बताया गया है। ये प्रोडक्ट सभी हेयर टाइप्स के लिए सुटेबल है। हेयर कंडीशनर में इसका एक बेनिफिट बता रहे हैं, जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें इंडियन गूसबेरी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर ऑल हेयर टाइप्स। अब बात करते हैं दोनों के राइट साइड पे जो कि डिटेल्स दी है उस पे, यहाँ पूरा कंपनी ब्रांडिंग है जिसमें खादी नेचुरल प्योर नेचुरल आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि सभी टाइप्स की स्किन और हेयर टाइप्स के लिए सुटेबल है। इनके प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकल एंड क्लिनिकली टेस्टेड है। ये दोनों बॉटल्स का क्वांटिटी 210 ml ईच है और इनका MRP 210 rupees ईच है। ये कॉम्बो मैंने परचेज किया था खादी नेचुरल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आप चाहे तो Amazon, Flipkart, Nykaa से भी परचेज कर सकते हैं। अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड पैकेजिंग पर हेयर क्लींजर के बारे में बता रहे हैं। इसमें रीठा और आमला की गुडनेस है, जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, हेयर्स में स्ट्रेंथ और वॉल्यूम देगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा और डैंड्रफ कम करेगा। इसको हमें अपने हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेकर अपने वेट हेयर्स और स्कैल्प पे लगाकर 2 to 3 minutes तक मसाज करना है एंड देन वॉश करना है। इसके बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट दी गई है। अब हम बात करते हैं हेयर कंडीशनर की, तो इसमें बता रहे हैं हेयर फॉल, डैंड्रफ एंड फ्रिजीनेस कंट्रोल करेगा, हेयर्स को शाइनी बनाएगा। इसमें हमें हमारी हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग पाम्स में लेके हेयर रूट्स और स्कैल्प पे लगाकर मसाज करना है 2 to 3 minutes तक एंड देन वॉश करना है। यहाँ पे मुझे अपना एक ओपिनियन देना है। मैं पर्सनली कभी भी हेयर कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाती और आपको भी बोलूंगी कि आप कभी भी स्कैल्प पर हेयर कंडीशनर मत लगाइए, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प को खराब कर सकते हैं। कंडीशनर को हमेशा अपने मिड लेंथ से हेयर एंड तक ही लगाना चाहिए। और दूसरी चीज जो यहाँ क्लेम करते हैं कि कंडीशनर से हेयर फॉल और डैंड्रफ कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडीशनर हमेशा हम हमारे हेयर्स को मैनेज करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा उलझे नहीं, स्प्लिट एंड ना हो और हमारे हेयर्स स्मूथ रहे, डैमेज होने से बचे, इसीलिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो अब इन्होंने पता नहीं यहाँ क्यों लिखा है, बट मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए, तो मैंने जस्ट अपना ओपिनियन दे दिया आपको। यहाँ पर एक कॉशन दिया है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप आई कांटेक्ट में ना आने दें, और अगर आता है तो तुरंत पानी से साफ करना है। इन प्रोडक्ट्स की वजह से अगर आपको किसी भी तरह की इरिटेशन, इचिंग या एलर्जी होती है, तो इसे आप तुरंत यूज़ करना बंद करें और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स एलर्जिक रिएक्शन दे सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स में किसी भी टाइप से ब्लीच, क्लोरीन और जहरीले केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है, और ये पूरे तरीके से प्योर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बनाया गया है, और इसमें नेचुरल हर्ब्स का भी यूज़ किया गया है। अगर हम बॉटम साइड में देखें तो यहाँ पे मार्क ऑफ जेन्युइनिटी आप देख सकते हैं, और साथ में QR कोड है, जिसको अगर आप स्कैन करते हैं तो ये आपको खादी नेचुरल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगी, जहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आप प्रोडक्ट डिटेल चेक कर सकते हैं। बात करें हेयर क्लेंजर की, तो इसका कलर ब्लूइश देखने को मिलेगा और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। बात करें सेंट की, तो ये मुझे इसकी सेंट नेचुरल माइल्ड सी आती है। और अगर हम देखें कंडीशनर की, तो कंडीशनर का जो कलर है वो आपको वाइटिश कलर में देखने को मिलेगा, और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है, और इसकी भी जो सेंट है वो माइल्ड नेचुरल हर्बल सी आती है। अब हम आते हैं मुद्दे पे, इन प्रोडक्ट्स पे मेरा क्या रिस्पॉन्स है।
इस हेयर क्लेंजर को मैं लास्ट 1 month से कंटिन्यू यूज कर रही थी। ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इवन इसकी बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है, एक बॉटल आपको इजीली 1 से 1.5 महीना चल जाएगी। मुझे डैंड्रफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इवन आज भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपको डैंड्रफ कंट्रोल पे कोई अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी कि ये प्रोडक्ट डैंड्रफ को कंट्रोल करता है या नहीं करता है। मेरा जो हेयर टाइप है वो नॉर्मल है, ना ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा ऑयली। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितने भी बार इस प्रोडक्ट को अपने हेयर्स पे यूज़ किया है आफ्टर हेयर वॉश, मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी हो जाते थे। इवन अभी अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखेंगे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मेरा नॉर्मल रेगुलर वाला हेयर फॉल था वो भी बढ़ गया। ये प्रोडक्ट मेरे हेयर्स पे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है, इसने मेरे हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर दिया है। और मुझे लगता है कि ड्राई हेयर्स वालों को इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऑयली हेयर्स है और आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए क्या ये ऑयली हेयर्स पे सूट हो रहा है या नहीं। ये प्रोडक्ट जितने भी बेनिफिट्स क्लेम करता है उसका मुझे सिर्फ 50% ही रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं इसको रेटिंग्स दूंगी। ये एक ओके प्रोडक्ट है एक एवरेज बजट में नेचुरल हेयर क्लींजर के लिए। खादी नेचुरल का आमलाइन ब्रिंगराज हेयर क्लेंजर भी मैंने ट्राई किया है और उसका रिव्यू फीडबैक वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे दोनों हेयर क्लेंजर में से ज़्यादा अच्छा आमलाइन ब्रिंगराज हेयर क्लेंजर ही लगा है, ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं हेयर कंडीशनर की। इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी सही है, आप एक बॉटल को इजीली 2 महीने तक यूज़ कर सकते हो और इसके रिजल्ट्स भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छे लगे। इसने काफ़ी सही ढंग से कंडीशनिंग का काम किया है, बालों को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, फ्रीजीनेस को भी दूर करता है और बालों में एक हल्की सी नेचुरल शाइन भी लाता है। तो इस प्रोडक्ट ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है और दिस इज़ माई गुड परचेज। और जिस तरीके से ये अपने बेनिफिट्स क्लेम करता है उसका मुझे 80% रिजल्ट मिला है, सो आई विल रेट दिस प्रोडक्ट 4 out of 5। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल रिव्यू एंड फीडबैक शेयर किया है इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से प्रोडक्ट पे देखना चाहते हो। If you enjoyed this video, don't forget to like and share this video. Also subscribe to my channel for more videos. See you in the next video. Take care. Bye-bye.